2G स्पेक्ट्रम की नीलामी की अगली प्रक्रिया 11 मार्च से शुरू होगी। 900 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में की जाएगी। इसके अलावा 2013 से स्नातक छात्रों के लिए ट्यूशन फीस को 50,000 रूपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 90,000 रूपये प्रतिवर्ष करने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली बलात्कार कांड में छठे और नाबालिग आरोपी का मामला अलग से जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा। इस मामले के लिए सुनवाई की अगली तारीख 15 जनवरी तय कर दी गई है। अदालत में नाबालिग आरोपी की उम्र का पता करने के लिए अदालत के समन पर आरोपी के स्कूल के प्रिंसिपल हाजिर हुए। कल की कार्रवाई में अदालत ने कहा कि जो दस्तावेज प्राध्यापक ने दिए हैं वो नाकाफी हैं, लिहाजा कोर्ट ने प्रिंसिपल को और दस्तावेज के साथ आने के लिए 15 जनवरी की तारीख दी है। पुलिस ने इस आरोपी की सही उम्र का पता लगाने के लिए बोन मैरो परीक्षण की अर्जी दी है। अगर यह आरोपी बालिग साबित हो जाता है तो इस पर भी अन्य आरोपियों की तरह अदालत में मामला चलाया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात अमरीका की। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने चक हेगेल को रक्षा मंत्री और जॉन ब्रेनन को CIA प्रमुख बनाने की घोषणा की है। इन दोनों नियुक्तियों को अमरीकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट से ब्रेनन राष्ट्रपति ओबामा के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को तय करने में अहम भूमिका अदा करेंगे। और बात चीन की। चीन में कल बड़ी संख्या में लोगों ने देश के एक उदारवादी अखबार के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। सेंसरशिप का विरोध कर रहे लोग दक्षिणी गुआंगडोंग प्रांत के प्रचार प्रमुख के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकांश इलाके भीषण सर्दी और शीतलहर की चपेट में हैं। राजधानी में कल सुबह न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड और कोहरे का सीधा असर रेल और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ICC की ताजा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में बल्लेबाजी में 2 स्थान के सुधार के साथ 4थे स्थान पर पहुंच गए हैं। धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों में 1 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से 203 रन बनाए। टीम इंडिया के कप्तान